बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं मटन और चने का पुलाव, जिसमें मैंने ये 3 पाव गोश्त है जो मैंने गला लिया है। पहले इसमें मैंने पानी और नमक डाल के तो इसको मैंने गला लिया है। और इसमें 1 कप चने हैं, ये भी मैंने उबाल लिए हैं। और ये 2 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, आधा कप दही है और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, 3.5 कप चावल हैं। और इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाले हैं। अब इसमें मैं डालूंगी ये गरम मसाले, साबुत गरम मसाले, जिसमें 3-4 लौंग हैं, 8-10 काली मिर्चें हैं, 3 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, और 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया है, 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 बड़ी इलायची है, और 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, और 1 चुटकी सौंफ की है। इसको मैं पहले डाल दूँगी इसमें। आज मेरे साथ फिर बाबर हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं मेरे साथ किचन में। और इसके साथ ही हम ये प्याज डाल देंगे। प्याज हम भूनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी टमाटर और ये मसाले। ये 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 2 टीस्पून नमक है, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। ये सारा इसमें चला जाएगा। और इसमें अब मैं गोश्त डाल दूँगी जो कि मैंने इधर बॉयल करके रखा हुआ है। और ये 1 कप चने हैं जो मैंने पहले ही भिगो के रखे हुए थे, और अब इनको मैंने गला लिया है। ये डाल के तो रखा हुआ है, अब इसमें मैं डाल दूँगी। नमक मिर्च आप अपनी पसंद के मुताबिक डालें, जितना आप लोग खाते हैं उतना डालें। और साथ ही मैं ये दही डाल दूँगी, आधा कप दही है। और साथ ही ये एक लीमू है जो मैंने इस तरह काट लिया है, वो डाल दूँगी। चाहे तो बीज में से निकाल लें, ये बीज जो है ना ये इसमें से निकाल लें क्योंकि ये कड़वा होता है। तो और ये 3 मिर्चें हैं, ये मैं साबुत ही डालूँगी। अब ये वाले कप जो है ना ये मैंने 3.5 कप चावल के लिए हैं, तो 3.5 का मतलब है कि हमने 7 कप पानी के डालने हैं, जिसमें से ये कुछ तो ये यखनी हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। छः कप मैं डालूँगी क्योंकि मैंने चावल 1 घंटा हो गया मैंने इनको भिगो के रखा हुआ है। तो ये गरम पानी मैंने डाला है, देखें उबलना भी शुरू हो गया है, तो इसलिए मैं इसमें चावल भी अभी डाल दूँगी। अब इनको मिक्स कर देंगे। और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। फिर जो ही उबाल आता है फिर इसका हम ढक्कन उतार के इसको बनाएंगे। पानी इनमें खुश्क हो गया है, ये अब बिल्कुल दम के नज़दीक है। अब इनको मैं दम दे दूँगी, बिल्कुल हल्की आग पे रख दूँगी। 15 मिनट के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह 15 मिनट बाद। चावलों को दम आ गया है। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल परफेक्ट। इसके साथ रायता बनाएं, सैलड बनाएं, कुछ भी बनाएं आप इसके साथ और इसको खाएं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।